बिहार की मशहूर एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु काफी सुर्खियों का विषय बनी रहती है। हाल ही में उनका एक सेक्स MMS इंटरनेट पर लीक हो गया था। इस वीडियो में एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड संग इंटरनेट मोमेंट्स का आनंद लेती नजर आती है। दोनों के निजी पलों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। MMS के वायरल होने के बाद एक्ट्रेस के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड सैंडी पर इस वीडियो को लीक करने का आरोप लगा दिया था। त्रिशाकर मधु ने लोगों से इसे शेयर ना करने की अपील भी की थी। इसके बावजूद भी इतने वक्त बाद लोग इसे खूब शेयर करते हैं। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने कहा था कि उनका ये वीडियो काफी पुराना है। वीडियो में साफ होता है कि उन्होंने अपने मोबाइल से खुद इसे शूट किया था। अब सैंडी ने लंबे वक्त बाद सामने आकर इस वीडियो के बारे में खुल के बात की है। सैंडी ने खुलासा किया है कि ये वीडियो किसके द्वारा लीक किया गया था। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सैंडी ने बताया, जिसने भी इस वीडियो को देखा सभी ने केवल इसे एंजॉय किया, सभी ने केवल इसके मजे लिए, लेकिन किसी ने भी कॉन्वर्सेशन पर ध्यान नहीं दिया। अगर कॉन्वर्सेशन पर ध्यान दोगे तो वीडियो खुद खुलासा कर देगा कि ये वीडियो किसके पास था। इस बात से सैंडी इस ओर इशारा करते हैं कि वीडियो एक्ट्रेस के फोन से ही शूट हुआ है। जब उनसे सवाल किया गया कि आपको क्या लगता है ये वीडियो वाकई में किसने वायरल किया होगा, तो उन्होंने त्रिशाकर मधु पर इशारा करते हुए कहा, इसमें मुझे नहीं लगता कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, इन्होंने खुद किया है, ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया है। अब तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से शेयर किया जा रहा है और इससे जुड़े नए नए खुलासे भी आए दिन होते रहते हैं। सैंडी ने इंटरव्यू के दौरान त्रिशा से कहा कि अगर मैंने वीडियो वायरल किया है तो तुम मुझ पर अभी FIR करो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बॉयफ्रेंड ने एक्ट्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ऐसे ही कोई स्टेज शो करने वाली पहुंच जाएगी फिल्मों में तो ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट ही है।